आपने पढ़ रहे हैं अनुलाभ पर क्रेडिट्स। अनुलाभ में तीन कैटेगरी होती है, सभी कर्मचारियों के लिए अनुलाभ, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ और केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। आज हम सभी कैटेगरी देख रहे हैं, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, वैल्यूएशन ऑफ पर क्रेडिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। इसका पहला पॉइंट है हमारे पास किराए से मुक्त रहने की सुविधा को मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। किराए से मुक्त रहने की सुविधा को मूल्यांकन, किराए से मुक्त करने आयकर अधिनियम के अनुसार किराए से मुक्त रहने की सुविधा के निम्न प्रावधान है। किराए से मुक्त मकान की सुविधा दो प्रकार से दी जा सकती है, पहला
सुसज्जित मकान की सुविधा को हम बोलते हैं। लेकिन यदि कंडीशन ये है कि फर्नीचर नियोक्ता ने स्वयं का नहीं है और नियोक्ता ने किराए पे लिया है, किराए पे देकर फर्नीचर दिया है, तो सुविधा का मूल्य होगा नियोक्ता द्वारा चुकाया गया। Gracias.
फर्नीचर की लागत गुणा plus karyogi.
नहीं की जाएगी। अनुलाभ का मूल्यांकन क्योंकि मुद्रा के रूप में नहीं मिलता, इसलिए कोई भी प्रकार के अनुलाभ शामिल नहीं किए जाएंगे, यानी सुविधाओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान शामिल नहीं किया जाएगा और सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट या छठनी के बाद में कर्मचारी को किसी भी प्रकार का कोई अब मिलता है, जैसे पेंशन के रूप में, अवकाश के वेतन के बदले में नकदीकरण के रूप में, यानी एनकैशमेंट ऑफ फंडलिंग, पेंशन, ग्रेच्युटी और किसी भी छठनी के बाद में मिलने वाला क्षतिपूर्ति, ये हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये है हमारा टॉपिक आज का, वैल्यूएशन ऑफ पॉजिटिव गिफ्ट्स फॉर ऑल एम्प्लॉयर्स ने किराए से।